को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने निर्देश दे दिए हैं। मिशन मोड पर लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है। सात निश्चय पार्ट टू के तहत नौकरी मिलेगी, जिसमें 10 लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है, तो साथ ही 10 लाख रोजगार देने का भी लक्ष्य है। अब तक 5,16,000 नौकरी दे दी गई है। 1,99,000 नौकरी के लिए प्रक्रिया पूरी हो गई है। अगले 3 महीने में नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य रखा गया है, तो इसके साथ ही 2,11,000 नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। आप बता दें 2024-25 में 11 लाख से ज्यादा रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। शैलेंद्र, ये बहुत ही अच्छी खबर लोगों के लिए, नौकरी का जो इंतजार कर रहे थे वो इंतजार अब खत्म होने वाला है। नौकरी के इंतजार के साथ साथ सरकार ने जो वादा किया था और वो उस वादे को पूरा करने के लिए ये मुख्यमंत्री नीतीश जो एनडीए के नेता है, वह कहते रहे कि जो अगला चुनाव होगा बिहार विधानसभा का, उसमें जो हमने 10 लाख सरकारी नौकरी का जो लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को हम पूरा कर लेंगे। और अब सरकार का कहे कि अगले साल तक 10 नहीं, करीब 12 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं वो दे दी जाएंगी। मतलब है कि अब जो रोजगार और उसे बढ़ाना चाहती है, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अब तक 5,16,000 को सरकारी नौकरी, तो सरकार ने एक बड़ा दावा भी किया है। और कहीं ना कहीं जो सात निश्चय पार्ट टू के तहत, सात निश्चय पार्ट वन में जो चीजें थी उन चीजों को धीरे धीरे सरकार अब आगे बढ़ा रही है, वन से लेकर टू तक। और अब सात निश्चय पार्ट टू के तहत जो लोगों को सरकारी नौकरियां देनी है, जो रोजगार देनी है, उसे अब लक्ष्य पूरा किया जा रहा है। और देखिए, अलग अलग विभागों में, स्वास्थ्य विभाग की बात कर ले, पंचायती राज की बात कर ले, या श्रम संसाधन विभाग की बात कर ले, तो सभी विभागों के द्वारा लगातार जो बहालियां हैं उसको लेकर के जो प्रोसेस है वो भी पूरा किया जा रहा है। जी ठीक है शैलेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार बिहार आ रहे हैं। पीएम मोदी 19 जून को नालंदा पहुंचेंगे। यहां 455 एकड़ में निर्मित नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस यूनिवर्सिटी में 17 देश के कुल 400 छात्र छात्राएं अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार के साथ कई बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अभिषेक कुमार। पहुंचे हुए हैं नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर गेट पर, जहां आप देख सकते हैं यहां पर जो है वो जो कैंपस बनाया गया है, एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है, उसको आज जो है 19 जून को राष्ट्र को लोकार्पण करने वाले हैं। बता दें कि यहाँ जो है कुल 400 छात्र जो है, 17 देशों के छात्र जो है यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। और यहाँ पर बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगमन को लेकर जो है तैयारियां जोर शोर से चल रही है, और यहां पर जो है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो उनका कार्यक्रम है वो किया जाएगा। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है ये राजगीर छबीलापुर मार्ग है, वो जो उसको जो है बैरिकेटिंग किया गया है, एक तरह से कहे तो पूरी तरह से जो है सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, और पूरे तरह से बल्ला से जो है सड़कों की घेराबंदी की गई है। जो है आसपास के जो है इलाका है पूरे तरह से जो है सेना में तब्दील रहेगा, जो है स्थानीय पुलिसकर्मी है वो उसके सुरक्षा में तब्दील रहेगा। तो क्योंकि जिस तरह से जो है यहाँ जो है नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ये काफ़ी बड़ा जो है विश्वविद्यालय है, और देश में जो है सबसे बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता है, खास करके जो है यहाँ पर जो पुराने विश्वविद्यालय नालंदा खंडर जिसे बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था, उसके बाद से जो है यहाँ राजगीर में फिर से इसको पुनर्जीवित करते हुए नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया गया है। तो इसी को लेकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को नालंदा पहुंचेंगे और जो है इस विश्वविद्यालय को लोकार्पण कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। नालंदा से न्यूज 18 के अभिषेक कुमार। केंद्रीय कपड़ा मंत्री और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह अपने क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। गिरिराज सिंह कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि इतनी भीषण गर्मी में जितनी लगन से कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है वे बधाई के पात्र हैं। गिरिराज सिंह ने जीविका दीदियों को भी धन्यवाद दिया। कार्यकर्ताओं ने उस गर्मी में
42 डिग्री 45 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर पर जो काम किया, जो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमें सांसद बनाया, इसलिए मैं कार्यकर्ताओं को कोटि से नमन करने के लिए मैं यहाँ विकट परिस्थितियों में वो जीविका दीदी वही थी जो मेरी शिव शिष्या शिव गुरु बहन भी थी, वो वही थी मोदी जी की भी थी, तो तीनों उन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर मांग पूरी होने की उम्मीद जताई और कहा कि पीएम मोदी के दौरे से सभी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में भीषण गर्मी और मॉनसून में देरी के बीच जल संसाधन विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। विजय चौधरी ने यह भी कहा कि सरकार की नजर बिहार के साथ साथ नेपाल और झारखंड में होने वाली बारिश पर भी है। प्रधानमंत्री बनने से बिहार की भी जो इच्छा है या बिहार को भी जो चाहिए वो पूरा करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री जी बिहार वासियों की अपेक्षा ही प्रदर्शित कर रहे थे। और प्रधानमंत्री जी भी संवेदनशील हैं, उन्होंने भी कहा है कि बिहार को उसका हक मिलेगा। जब नेपाल में भयंकर बारिश होती है तो यहाँ बाढ़ की जैसे स्थिति बनती है, या झारखंड में कुछ ज्यादा बारिश हो जाएगी तब दक्षिण बिहार की जो नदियां हैं वो उफनाती हैं, लेकिन अभी तक तो उस तरह की स्थिति नहीं है, लेकिन सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बिहार चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना और जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी अटलांटा के सहयोग से 2 दिवसीय सार्वजनिक नीति और प्रबंधन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में बिहार और उसके बाहर सुशासन और स्थानीय विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। सम्मेलन से पहले जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी अटलांटा USA और चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के बीच MOU भी साइन किया गया। बात लखीसराय की करेंगे, जहां नक्सल प्रभावित चानन प्रखंड के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। भीषण गर्मी में नक्सल प्रभावित इलाका बांसकुंड गांव में पेयजल संकट गहरा गया है। लोग कुएं के पानी से अपनी प्यास बुझाने में जुटे हैं। भीषण गर्मी में गांव में नल जल का व्यवस्था नहीं है। गांव में एकमात्र कुआं है जिसका पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। गर्मी में अगर ये कुआं सूख गया तो पेयजल संकट और भी ज्यादा गहरा जाता है। कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। जमशेदपुर के टाटा नगर से बक्सर जा रही टाटा बक्सर एक्सप्रेस में AC फेल हो गया। इससे नाराज रेल यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। यात्रियों का आरोप है कि यह ट्रेन जैसे ही खुली वैसे ही AC ने काम करना बंद कर दिया। इससे रेल यात्री पसीना पसीना हो गए। जब ट्रेन चितरंजन रेलवे स्टेशन पर रुकी तो रेल यात्री हंगामा करने लगे। TT पर भी रेल यात्रियों ने नाराजगी जताई। हंगामे के चलते ये ट्रेन कई घंटे तक चितरंजन में खड़ी रही। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।